वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेड बाय मी। आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये जो पिछले मैंने वीडियो बनाई थी उसके से पीस बचा हुआ ही मेरे पास, ये टुकड़ा जो है कपड़े का, ये हमारे पास ये मैंने इसको नापा है, ये तकरीबन जो है पौना गज़ होगा। ये मैं इंच में भी बता देती हूँ ये कितना इंच है हमारे पास। ये लंबाई में 19 इंच मतलब 38 इंच है, 39 इंच है तक, और चौड़ाई जो है चौड़ाई हमारी 23 इंच है, और लेंथ जो है इसकी 18 इंच है, 36 इंच होगी। एक गज़ की लेंथ है 1 यार्ड, और ये 20 ये देख लें आप दोबारा, ये हमारे पास 22 है। अब हम इसकी फ्रॉक बनाने जा रहे हैं और इसका मैं हाफ़ सर्कल ड्रेस बनाऊंगी, तो इसको हम सबसे पहले सेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, हम इसको 6 इंच के करीब मुझे ये चौड़ाई लेनी है इसकी, तो ये मैं निशान लगा रही हूँ अपनी 6 इंच, ठीक है। ये देखें 6 इंच हमने लिया, 6 इंच में हमने ये निशान लगाया। अब यहाँ से मैं नापना शुरू करूँगी, 7.5 इंच है, फिर 7, ये 7.5 इंच, उसके बाद यहाँ से हम निशान लगाते रहेंगे 7.5 इंच, ये ठीक है। ये हमारा इस तरीके से ये पूरा आ गया है। ये अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे इसको, ये देखें आप, ये हमारा है। अब यहाँ से हमने पहले भी आपको बताया सर्कल काटने का तरीका, यहाँ से हम नापते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे, और इसको मैं बता दूंगी कितने कितना उसका हमारा ये टॉप घेरा है, स्कर्ट जो है हमारा, ठीक है। ये देखें निशान लगा लिए मैंने पूरा। ये देखिए हमारा सर्कल टॉप नीचे का हाफ सर्कल ये रेडी होके आ गया, सब बराबर है, ये देखिए हम बिल्कुल। और उसके बाद अब हम इसका ऊपर का ये हिस्सा, हम जो है ये जो हमने इतना काटा हुआ है इसी के ऊपर हम इसको लेंगे, ये हमारे पास पट्टी बची हुई है, ये हमने लिया, और उसके बाद इसी के हिसाब से हमने इसको सेटअप कर दिया, ठीक है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, मैं बाकायदा इसकी सेटअप करके आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये हमारा, ये हमने इसको लिया इस तरीके से, ठीक है। और ये हम नाप लेती हूँ मैं, ये कितना हमारा आएगा, ये 6.5 इंच हमारा ये है, तो मैं यहाँ से लूँगी 6.5। उसके बाद ये हमने लिया यहाँ तक 6.5, और ये ऊपर का हिस्सा हमारा जो है 7 इंच होगा, ठीक है। ये देख लें आप 7 इंच, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मैं थोड़ा सा ये स्टाइल बना रही हूँ, तो यहाँ से मैं लूँगी, ये हमने लिया है 2 इंच, यहाँ से हमने लिया है 3.5 इंच, ठीक है। ये इसके बाद इसको हमने इस तरीके से 2, और ये 2 इंच है, और ये 3.5 है, उसके बाद इसको हम मिला देंगे इस तरीके से, ये हमारा आएगा 4 इंच। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे, ये देखें। हल्का सा हम यहाँ पे कर्व कर देंगे इसको, बिल्कुल मामूली सा। ये हमारी ये आ गया, ये निशान लगा देती हूँ मैं कट का, ये पूरा हमारा रेडी हो गया, ठीक है। ये हिस्सा ये देखिए, अब उसके बाद हमें करना है इसकी कटिंग करने के बाद इसमें से हम अपनी पट्टी काटेंगे ताकि हम इसमें डिज़ाइन के तौर पे लगा सकें ऊपर। इसको मैं इस तरह लूँगी, ये देख लें ये पट्टी बची हुई है, इसी में से हम फ्रल ले लेंगे इसका, ये हमने लिया। उसके बाद यहाँ से
पूरा ले लेंगे इस तरह से आड़ाएं। जो ये पोर्शन पीछे नीचे का कपड़े का बचा है, हम इसी से जो है अपने लेयर एक काट रहे हैं जो हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक बड़ा सा कॉलर टाइप का बनेगा जो हम पूरे उसमें, और इसमें हम एक जो कोई सी भी बेल लगाकर उसके बाद इसको इस तरीके से लगाएंगे पूरे अपने उसके अंदर, ये है इस स्टाइल। चलो अब हम इसको स्टिच करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपने फ्रंट को दोनों साइडों से सियेंगे। ये देखें, ये हमारे पास ये रेडी हुआ हुआ है, यहाँ से हम सियेंगे, उसके बाद इस तरफ से सियेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम पाइपिंग लगा देंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम इस ये जो हमारा ये आपको नज़र आ रहा होगा आर्म होल, इसमें हम ये पट्टी लगाएंगे। ठीक है, लगाने के बाद इसको इस तरह हम फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये हमारी फोल्ड होकर आ जाएगी। यहाँ तक ही हमारी जो है फ्रॉक रेडी हो गई। देखिए, मैंने आर्म होल में दोनों तरफ पट्टी लगा ली है। अब उसके बाद जो है ये जो हमने अपने लिए स्पेशल आपको दिखाया था कि हम इस पे लगाएंगे इस तरीके से, तो इस पे जो है हम ये बेल लगाएंगे। पहले इसको बेल लगा के हम इसे रेडी करते हैं। इस तरीके से ये हमारी पूरी बेल पूरे में लगेगी। ठीक है, ये इस तरीके से पूरी। उसके बाद जो है हम ये बेल लगा के फिर आपको बताएंगे इसमें हम ऐसे कैसे एडजस्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह हमने इसको अपना पूरा यह सेट हमने तैयार कर लिया है कॉलर बेल लगाकर। उसके बाद हम इसको इस तरह हम सेट करेंगे। ये देखें, ये हमारा जो है ये फ्रंट है, इसके ऊपर मैं इसको रखूँगी यहाँ से इस तरीके से। ये देखें, ये आएगा एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ये इस तरह हमारा आएगा। उसके बाद ये हम इसको हम इस तरह सेट कर लेंगे। ये हो गया हमारा ये, और इसी तरह हम बैक पे करेंगे इसको। बैक पे हम सिर्फ यहाँ आमने सामने रखेंगे। ठीक है, इसको हम बैक को हम सिर्फ आमने सामने रखेंगे इस तरीके से। यहाँ हमें मिलाना नहीं है। दोनों को मिलाने के बाद उसके बाद हम हल्की सी चुन्नट लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल यहाँ हम फ्रंट पे सिर्फ हल्की हल्की चुन्नट देंगे। उसके बाद जो है हम इस जो है अपना ये देखें, ये हमारी बिल्कुल मामूली से हम इधर चुन्नट देंगे, और उसके बाद इसको हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। ये अपनी इसकी मदद से हम जो है इसको अंदर की तरफ करके इसमें हम केस टाइप का बनाएंगे। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे भी हम चुन्नट डालेंगे हल्की सी, और इस तरफ भी। ठीक है, इस तरीके से आएगी ये। तो उसके बाद हम इसकी पाइपिंग लगा लेंगे। चले, मैं इसको करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने इस तरह चुन्नट लगाई है पूरी। ये हमारा ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, ये इस तरफ का है, ये बैक साइड है हमारा, और ये जो है हमारा फ्रंट है। और आपको मैं उल्टा करके भी दिखा दूँगी हमने चुन्नट किस तरह लगाई है। ये रही हमारी चुन्नट है, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पे दोनों को मिला के हमने पहले ये पीछे हमारा ऐसे खुला हुआ है, यहाँ से हमने चुन्नट लगानी शुरू करी। ये हमारा आर्म होल का एरिया है, और ये जो है हमारा फ्रंट है, और यहाँ ये देखें पूरी हमने इस तरीके से चुन्नट लगा ली। और अब हम इसमें अपनी पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे जो मैं बैक साइड से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ये हमने पाइपिंग बना के रखी हुई है, ये हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे और पूरे में पीछे तक ले आएंगे। ठीक है, ये पाइपिंग। यहाँ से हम पाइपिंग स्टार्ट करेंगे अपनी, और पूरा ये गोल में हम घुमाते हुए इसको लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह ये हमारा फ्रिल जो है ये हमने कंप्लीट कर ली है कॉलर की शक्ल की। आपको नज़र आ रहा होगा ये दोनों तरफ। अभी हमने ये पाइपिंग लगाई हुई है, ये हम इसको ये जो हमारा है हिस्सा, ये जहाँ हमारा ये आर्म होल है दोनों तरफ का, इस साइड पर हम इस तरह इसको लगाएंगे इस तरफ, और उसके बाद इसको इस तरीके से हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे घेर लगा के आपको दिखाएंगे। ये पहले ये लगा लूँ, फिर मैं आपको नीचे का स्कर्ट लगा के दिखाऊंगी। ये हमारी इस तरह ये लगेगी। लगा लिए दोनों तरफ,
ये आप देख रहे होंगे, इस तरफ भी हमने इसी तरह लगाई है। अब हमारा लास्ट है ये, अब हमें इसकी घेर लगाना है, स्कर्ट लगाना है। ये मैंने काट के रखा हुआ, ये देखें। अब इसको हम पहले इसकी साइड ही सीएंगे, फिर इसके बाद इसको इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा, अब हम इसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे। ये स्कर्ट के अंदर, उसके बाद हम इसको इस तरह लेंगे और यहाँ से उसके बाद इसको पूरा हम इसे सी लेंगे। ये देखिए, मैंने बॉडी को स्कर्ट के अंदर रखी, चारों तरफ सिलाई लगा ली है और उसके बाद जब हम इसे सीधा करेंगे, हमारी फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। ये हाफ सर्कल ड्रेस, ये देखें, ये हमारा रेडी हो चुका है। और अब हमें सिर्फ जो है ये नीचे से हमें इसका सिम लाइन मोड़नी है और ये हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। ये देखें आप, हमारी फ्रॉक हाफ सर्कल स्कर्ट और ऑफ शोल्डर, ये मैंने बेबी स्टाइल के कॉलर के साथ बनाया है, कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी फ्रॉक पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। If you like this tutorial, please subscribe to our channel, share this tutorial and like this tutorial as well. Thank you so much.